अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भरा थोड़ा मेज़बान हूँ मुझे चिराग वट्टू। तो आज थोड़ा जनाब 85x4x4 का रिव्यू करके दिखावांगे। तो डॉक्टर ड्राइवर ने गलबात करावांगे जनाब। दोस्तों इस टाइम जनाब 85 उपर बैठा जनाब, प्लेटफॉर्म 85x4x4 का काफ़ी खुला है जी। ठीक है जी, तो ईजीली बैठे हुए जनाब, 4x4 का गेयर है जी। ठीक है जी, आ जनाब जरा बैटरी वाली साइड का पाएदान हों काफ़ी खुला किया हों व्डा किया हों जी है। उस तो अलावा जनाब जरा दूसरा पाएदान वे वो भी थोड़ा लंबा है, क्योंकि इन्हें स्पेसर दिता हों, स्पेसर के ना जनाब 4x4 सिस्टम अटैच होता जी। थानू दिखा आ जरा सिस्टम है जी 4x4 का। ठीक है जी, आ क्लच है समझा जी, ये अटैच हों जी इस जगह से, स्पेसर जरा पाया गया जनाब। शावट सेंटर च नहीं है कि साइड से होंगी जी, इन्हें देखो पराली पराली वगैरह बनी बन का भी खतरा हों। जरा प्रेशर जैक हों दूए जो आम 85 जैक आता वो नहीं, थोड़ा छोटा हों जनाब शायद। ये जनाब 18 मॉडल है जी, जरा पैप उप काफ़ी ज़्यादा गया है, नज़र नहीं आ रहा। 18 मॉडल है, तुम पत्री दे सकते हो। तो फिलहाल जी इस ट्रैक्टर की लीच एक भी कौन नहीं हैगी, साफ पे जी। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 385 ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 4x4। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ, ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ 4x4? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੋ। ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੋਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਉਂਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 4x4? 50 ਇੰਜਨ ਛੋਤੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। भी इन्ना भी नहीं चाहिए भी बन्ने अड़ता फिरे। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह थानू इन्दे मगर तेरा फाड़ा हाल तो सुहागा है जी, उदू होलिंग मास्टर मगर भी तेरा फाड़ा हाल तो सुहागा है जी। थानू इंशाल्लाह दोवां दी परफॉर्मेंस दिखावांगे जी।